हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे ASMR चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल AS Edits में और आप देख रहे हैं AS Edits। तो गाइस, आज की वीडियो हम लोगों के ऊपर करने वाले हैं जो कि गेमिंग लोगो कैसे बनाएं। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस, मैं बहुत दिन बाद अपनी आवाज़ से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को पूरा देखना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको मैं लेटेस्ट नोट। दोस्तों, ये जो लोगो का एप्लीकेशन है ना गाइज, ये वाला एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज, हम इसे ओपन कर लेते हैं। एंड गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोगो आपके सामने आ चुके हैं। एंड गाइज, आप इसे भी देख सकते हैं, बहुत से लोगो आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड गाइज, ये वाला लोगो जो है ना, ये जो अब आया है गाइज, इसे हम थोड़ा सा मतलब आपको लोगो बना के दिखाएंगे पिक्सल लैब के अंदर। तो गाइज, हम यहाँ से क्या करते हैं गाइज, हम पिक्सल लैब को यहाँ ओपन कर लेंगे। तो गाइज, हमने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है और गाइज, हम यहाँ से रोटेट का ऑप्शन दबाएंगे। तो गाइज, सॉरी, मैं रोटेट करना भूल गया था। एंड गाइज, ये जो यहाँ पे पहले वो है ना बैकग्राउंड, इसे हम पहले हटा लेंगे, अपना वाला मतलब लोगो ला के जो बैकग्राउंड है ना, इसे हटा लेते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पे अपना लोगो लेकर आने वाले हैं। तो गाइज, हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है। एंड गाइज, यहाँ पे नीचे वाला जो बैकग्राउंड है ना गाइज, उसे हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करके जो है ना, फिर जो है ना, इसके आउटसाइड में टैप करेंगे एंड गाइज, ये ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो गाइज, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। एंड गाइज, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं गाइज, जिससे हमें कुछ दिक्कत ना हो। गाइज, हम यहाँ पे आप जाते हैं टेक्स्ट में, इसमें टेक्स्ट पे लिखते हैं गाइज, मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखता हूँ AS Edits। तो गाइज, हम यहाँ पे टाइप करते हैं AS Edits। तो गाइज, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, AS Edits हो चुका है। एंड गाइज, यहाँ से हम ओके करते हैं। एंड गाइज, आपको यहाँ पे नीचे जो है ना गाइज, इसका नीचे आपको लगा देना है, इसके नीचे। तो गाइज, मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा आपको। एंड गाइज, आपको पहले क्या करना पड़ेगा गाइज, पहले आपको यहाँ पे इसे कलर में आना है गाइज, वाइट ही रखना है आपको कलर। एंड गाइज, यहाँ पे आपको फॉन्ट में जाना है, AB फॉन्ट में। तो गाइज, यहाँ पे आपको नीचे जाके गाइज एक फॉन्ट मिलेगा, तो जो कि गाइज यहाँ पे ये वाला आएगा। गाइज, ये कॉप कैसा कुछ डैनियल टाइप में। तो गाइज, इस वाले लोगों को आप यहाँ पे लगा लीजिए। एंड गाइज, आपको अब क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको साइज पे इसका साइज एडजस्टमेंट कर देना है, थोड़ा सा साइज एडजस्टमेंट। एंड गाइज, यहाँ से आपको ओके कर देना है। एंड गाइज, अब आपको क्या करना है, एंड आपको गाइज इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा, बैकग्राउंड को नहीं लगाते हैं, चलो। एंड गाइज, अब आपको आ देना है इसका स्ट्रोक, आपको थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देना है एंड ब्लैक कलर में थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देना है। ओके गाइज, एंड गाइज थोड़ा सा नीचे से रिड्यूस बढ़ा देंगे गर्द। ओके गाइज, एंड गाइज, अब आपको क्या करना है। एंड गाइज, अब हमें इसकी शेडो बढ़ानी है। गाइज, हम शेडो में आ जाते हैं। तो गाइज, हम इसकी शेडो बढ़ाते हैं, वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे गाइज, हम ब्लैक नहीं वाइट करेंगे। एंड इसकी वर्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे शेडो की, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइज, एंड गाइज, यहाँ से हम यहाँ एम्बेंस में भी जाएंगे, एम्बेंस को आपको ऊपर कर देना है। एंड गाइज, इसे चारों तरफ घुमा के देना गाइज, कहाँ सही लग रहा है। एंड गाइज, मुझे इस जगह पर सही लग रहा था, एंड तो मैंने इस जगह पे ही रोक दिया। एंड गाइज, यहाँ से ओके कर देते हैं। तो गाइज, अब हम आपको यहाँ पे कर्व में जाएंगे, कर्व को थोड़ा सा मतलब टेढ़ा करेंगे एंड इसलिए इसको लगा देते हैं। एंड गाइज, यहाँ से आपको इसे ओके कर देना है। तो गाइज, यहाँ से आप इसे ओके कर। एंड गाइज, हम क्या करते हैं, पहले गाइज इसको हम गलती से आ गए, इसे हम डिलीट करते हैं यहाँ पे। गाइज, दोबारा इसी फॉन्ट में जाएंगे। एंड गाइज, अब हम इसे देंगे थोड़ा सा 3D लुक देंगे थोड़ा सा। एंड गाइज, 3D में ऑप्शन में जाते हैं हम, इसमें थोड़ा सा 3D ऑप्शन डालते हैं एंड यहाँ से इनेबल करके थोड़ा सा नीचे से इधर को थोड़ा सा बर्थ करते हैं, थोड़ा सा डेप्थ। एंड गाइज, इसमें आपको थोड़ा सा नीचे भी जाना है एंड डिस्टेंस भी आपको सही कर देना है, थोड़ा सा 2 रख देना है। एंड 3D रेडिएशन, इसको गाइज आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, जैसे ही गाइज हमारे लोगों से ये मैच हो जाए। एंड गाइज, इधर की तरफ को आपको लगाना है इसे, तो गाइज आपको थोड़ा 3D रोटेट भी करना पड़ेगा। तो गाइज, इसमें आपको इधर की तरफ को गाइज, हाँ इधर की तरफ को आपको थोड़ा सा लेफ्ट की साइड को आपको कर देना है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड को आपको यहाँ पे रोटेट करना है। गाइज, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पे हमारा गाइज लोगो हो चुका है बिल्कुल तैयार। एंड गाइज, हम आपको एक और लोगो बना के दिखाने वाले हैं। गाइज, ये वाला हो चुका है हमारा लोगो तैयार। एंड गाइज, हम इसे 3 डॉट पर क्लिक करके गाइज इसे इम्पोर्ट इमेज कर लेंगे।
तो गाइस इंपोर्ट इमेज सेव टू गैलरी कर देना, आपको ये आपके मोबाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस हम दोबारा चलते हैं गाइस इस एप्लीकेशन में। तो गाइस मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ कोई सा। तो गाइस हम एक अच्छा सा एक लोगो देख लेते हैं कोई, जिसे हम दोबारा टच कर सकें अपने मॉडल के साथ। तो गाइस ये वाला हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगो। तो गाइस हम इसे सेव कर लेते हैं। एंड गाइस हम यहाँ से पिक्सल ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस इस वाले को आपको यहाँ से सबको डिलीट ऑप्शन कर देना है, सभी को डिलीट करना है आपको यहाँ से। इस टेक्स्ट को भी डिलीट करना है, एंड ये जो वाइट टेक्स्ट है इसको भी आपको डिलीट कर देना है। एंड गाइस अब आपको प्लस के आइकन पर जाके सेव फ्रॉम गैलरी पर जाना है। फ्रॉम गैलरी पर आपको गाइस वो जो आपने अभी अपना लोगो जो मतलब सेव किया है ना, वो आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस इस लोगो में आपको गाइस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा लोगो है। तो गाइस हम यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे। गाइस यहाँ पे मैं अंशुल गेमिंग लिखने वाला हूँ। तो गाइस अंशुल गेमिंग, तो गाइस मैं भी एक मतलब गेमिंग चैनल ओपन करने वाला हूँ। तो गाइस आप मुझे बता दें कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अंशुल गेमिंग। तो गाइस अंशुल गेमिंग हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो गाइस ये टाइप हो चुका है अंशुल गेमिंग। तो गाइस यहाँ से ओके कर देते हैं। एंड गाइस अब आपको गाइस इस जगह पे लगा देना है जहाँ पे वाइट वाइट टेक्स्ट है। तो गाइस आपको क्या करना है, गाइस आपको इसका साइज का थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा कर देना है। एंड गाइस यहाँ से भी आपको वाइट रखना है कलर, इसका वाइट कलर कर देना है। एंड गाइस अब आपको गाइस ए बी फॉन्ट में आना है। बस ए बी फॉन्ट में आपको गाइस आर्म देख लेते हैं, ये सही है नहीं। तो गाइस ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग रहा है गाइस, इसे नहीं करते हैं। एंड गाइस बाद में इसे चेंज कर लेते हैं। गाइस ये हम चेंज कर रहे हैं इसे। तो गाइस हम यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे और फॉन्ट देखेंगे। गाइस फॉन्ट को अच्छे से फॉन्ट आप देख सकते हैं। एंड गाइस मेन फॉन्ट, तो गाइस थोड़ा सा गाइस ये वाला फॉन्ट अच्छा है। तो गाइस हमने ये वाला फॉन्ट चूज कर लिया है यहाँ पे। एंड गाइस हम यहाँ पे शेडो में जाएंगे, इसकी शेडो को ओपन करेंगे। गाइस इसे वाइट कलर की शेडो देंगे। तो गाइस शेडो को हम दे देते हैं, इसमें बीच में थोड़ी शेडो दे देते हैं। एंड गाइस यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस स्ट्रोक भी हम यहाँ से दे देते हैं। गाइस ब्लैक स्ट्रोक देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे वाइट जो है ना काफ़ी वैसा है, मतलब वाइट ही हमारा फॉन्ट का कलर है। एंड वाइट ही आपको वो ही मिलेगा। तो गाइस अब आपको कर्व में जाना है, थोड़ा सा कर्व दे देना है आपको अपने टेक्स्ट के अंदर। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, एंड अब आपको कुछ नहीं करना। गाइस यहाँ से हमारा मतलब जो वो है ना लोगो हमारा तैयार हो चुका है। तो गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो गाइस हम दोबारा उस ऑप्शन उसमें एप्लीकेशन में जाते हैं। एंड गाइस मैं बता दूँ आप इसमें गाइस खूब तरह की कैटेगरी भी है। गाइस फोर्टनाइट का भी आपको लोगो मिल जाएगा। एंड गाइस कैटेगरी भी है इसमें जो कि काफ़ी अच्छी इस एप्लीकेशन की वो है लेंथ। एंड गाइस अब आपको कैटेगरी दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पे आपको शूटर गाइस सब चीज़ मिल जाएगी आपको। गाइस अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो गाइस ये शूटर का वो नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए सॉरी। एंड गाइस वीडियो यहीं तक ही थी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी।